हाँ बेटा, डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्स रेस टू पावर 5 प्लस साइन एक्स। तो इन सब का आपको लिखना है, जो अभी फार्मूले पढ़े उसी के बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे पहला आपने क्या लगाया इसमें, यू प्लस वी का फार्मूला लगा दिया। आपको पता है कि यू ये भी एक एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ट्रांसफर हो जाता है प्लस में, तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो एक्स रेस टू पावर 5 में एक्स रेस टू पावर एन वाला फार्मूला, एन आगे आ जाएगा एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स आ गया, एन आगे आ गया, एक्स एस रेस टू पावर एन माइनस वन, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस डी बाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ये लिखा है साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है। 2x³ का निकालना है, 2 क्या होगा, कोई भी कॉन्स्टेंट सी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, तो सी क्या होगा, बाहर चला जाएगा डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो इसलिए 2 बाहर चला गया, क्या आ गया, ये डी वाई डी एक्स ऑफ x³ आ गया। ठीक है, तो x³ को क्या लिख देंगे, 3x² लिख देंगे, वही एक्स रेस टू पावर एन से, एन आगे आ जाएगा एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, तो कितना आ गया आपका, 6x² आ गया। सेकेंड सेकेंड का आंसर 6x² आ गया। इसी तरह से बेटा 2x5 पे चले जाइए, कॉस एक्स पे चले जाइए, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, एक्स रेस टू पावर 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 4। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, 10 करके देखिए इस पूरे को, 10x² माइनस कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन, प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब आपसे पूछे ये वाई फंक्शन है, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर आप बताइए कितनी रेट होगी, तो इसमें एक्स को पाई बाई टू डाल दीजिए, इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगी, किसी भी एक्स पर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो 10x का कितना आ जाता है, 10x का sec² x प्लस ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स रह जाता है। ठीक है, आपको निकालना है x² sin x का, तो आप इस पर u इंटू v वाला फार्मूला लगा सकते हैं बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ x² sin x, u इंटू v वाला फार्मूला लगाइए, x² एज इट इज। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ x², तो कितना आ जाता है, ये x² d sin x by dx कितना आ जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, और dx² by dx कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो x² into cos x प्लस 2x into sin x आ जाएगा। इसी तरह आप 5 cos x का लिख दीजिए, 5 cos x प्लस x² 4 का आ जाएगा, 5 बाहर आ गया, माइनस साइन एक्स प्लस 4x³। ठीक है, इसका निकालेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स का, तो साइन एक्स अपॉन एक्स के लिए क्या अप्लाई करेंगे, यू बाई वी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बाई एक्स, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स एज इट इज, डी एक्स बाई एक्स 1 आ जाएगा, कितना आ गया, x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन x² आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, साइन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स एज इट इज कॉस एक्स माइनस यू एज इट इज, और फिर आप एक्स का डिफरेंशियल करोगे, तो ध्यान रखो बेटा ये गलती, यही याद नहीं आता, कई बार इसमें छोड़ देते हैं, डी एक्स बाई एक्स कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि तो सेम एक्स का चेंज है, डिवाइड ही कर दो बना जाए, या फार्मूला लगा के देख लो एक्स रेस्ट पावर एन का। ठीक है, तो ये फार्मूले सबको आने चाहिए, फार्मूला लगा के क्वेश्चन